जय हिंद दोस्तों। छोटे क्लास हों या बड़े क्लास हों, स्कूल हों या कॉलेज हों, अब परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। अब परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर में हर सब्जेक्ट्स के लिए दो तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फर्स्ट, ओएमआर शीट को भरने के लिए टर्म वन क्वेश्चन पेपर, और सेकेंड, आंसर शीट में स्मॉल एंड लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए टर्म टू क्वेश्चन पेपर। तो माय डियर स्कॉलर्स, आज के द मिडनाइट विजिटर के इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में आप ओएमआर शीट के लिए और सब्जेक्टिव आंसर शीट के तैयारी के लिए दोनों तरह के क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको यहां मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं आपके लिए समर्पित हूं, वैसे आपको भी सिर्फ दो छोटे छोटे काम करने हैं। फर्स्ट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सेकेंड, क्लिक ऑन बेल आइकन, और हाँ, जो ऑल बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिए, आयरन से नहीं, अपनी खूबसूरत उंगली से। तो सबसे पहले ओएमआर शीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑप्शंस वाले आंसर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द मिडनाइट विजिटर, यानी ये जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, इसे किसने लिखा है? ए रॉबर्ट आर्थर, बी रस्किन बॉन्ड, सी अरूप कुमार दत्ता, या डी गैविन मैक्सवेल। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर है ए रॉबर्ट आर्थर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। इसे क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, व्हाट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर, यानी रॉबर्ट आर्थर के द्वारा क्या लिखा गया है? ए फॉग, बी एनिमल, सी मिडनाइट विजिटर, या डी ट्रीज। तो आपको मेन ऑप्शन पर ध्यान देना है, तो यहां पर सी ऑप्शन सही है। तो यह क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप देखें कि द मिडनाइट विजिटर कहां लिखा हुआ है, उसे ही आप भरें। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज ऑजेबल, ऑजेबल कौन है? ए हीरो, बी सीक्रेट एजेंट, सी राइटर, या डी वेटर। आंसर बी सेकेंड एजेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज मैक्स, मैक्स कौन है? ए सेकेंड एजेंट, बी थिफ, सी वेटर, या डी राइटर। आंसर ए सेकेंड एजेंट, मैक्स सेकेंड एजेंट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वॉज एट द डोर, दरवाजे पर कौन था? ए हेनरी, बी वेटर, सी ए एंड बी बोथ, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए एंड बी बोथ, क्योंकि हेनरी ही वेटर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑजेबल वॉज, ऑजेबल था, क्या था? ए वेरी फैट, बी वेरी थिन, सी वेरी शॉर्ट, या डी वेरी लॉन्ग। आंसर ए वेरी फैट, ऑजेबल बहुत मोटा था। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ डिड ही प्रोनाउंस व्हेन ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, जब वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता था तो उसका उच्चारण कैसा निकलता था? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रोमन, या डी अमेरिकन। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है डी अमेरिकन, क्योंकि वह 20 साल पहले अमेरिका में ही था। क्वेश्चन नंबर एट, हु इज ऑजेबल, ऑजेबल कौन है? ए स्पाई, बी सीक्रेट एजेंट, सी एस्पियनाज, एंड डी ऑल। तो यहां सही ऑप्शन है डी, क्योंकि सभी का मीनिंग है जासूस। नंबर नाइन, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्राउज्ड टू ऑजेबल एट नाइट कंसर्निंग सम न्यू फिल इन द ब्लैंक्स, वह रिपोर्ट जो रात को ऑजेबल के पास भेजी जा रही थी वह किस विषय के लिए थी? ए मिसाइल्स यानी हथियार, बी स्कूल, सी साइंस, या डी स्पाई। तो सही आंसर है ए मिसाइल्स, यानी वो रिपोर्ट मिसाइल के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर टेन, Where did Fowler spend a dull evening? Fowler एक बेकार शाम कहां गुजारा? A. जर्मन होटल,
बी अमेरिकन होटल, सी फ्रेंच होटल या डी अशोका होटल। आंसर सी फ्रेंच होटल। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड यू आर डिसिल्यूशन्ड, किसने कहा तुम निशाने पर हो। ए हेनरी, बी फॉलर, सी मैक्स या डी ऑजबल। आंसर डी ऑजबल। क्वेश्चन नंबर 12, हु मूव्ड टू एन आर्मचेयर एंड सैट डाउन हैवली, कौन आर्मचेयर यानी आराम कुर्सी की ओर गया और धम से बैठ गया। ए मैक्स, बी हेनरी, सी फॉलर या डी ऑजबल। आंसर डी ऑजबल। क्वेश्चन नंबर 13, हूज आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, किसकी आंखें उस रूम के सिंगल विंडो की तरफ मुड़ी। ए ऑजबल, बी मैक्स, सी फॉलर या डी हेनरी। आंसर सी फॉलर। ऐसा कब होता है जब ऑजबल बोलता है कि खिड़की के उस तरफ बालकनी है। क्वेश्चन नंबर 14, हो बिट हिज लिप नर्वसली, कौन नर्वस होकर अपना होंठ काट लिया। ए ऑजबल, बी मैक्स, सी हेनरी या डी फॉलर। आंसर बी मैक्स। जब ऑजबल बोला कि दरवाजे पर पुलिस है, तभी मैक्स नर्वस हो गया था और उसने अपना होंठ काट लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, हु विश्ड टू नो हाउ मैक्स लर्न्ड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स को रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली, यह बात कौन जानना चाहा। ए ऑजबल, बी हेनरी, सी फॉलर या डी लैंको। आंसर ए ऑजबल। क्वेश्चन नंबर 16, हूज फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, किसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ए फॉलर, बी ऑजबल, सी मैक्स या डी वेटर। आंसर सी मैक्स। क्वेश्चन नंबर 17, हु जंप्ड फ्रॉम विंडो सिल, खिड़की की चौखट से कौन कूद गया। ए ऑजबल, बी हेनरी, सी फॉलर या डी मैक्स। आंसर डी मैक्स। क्वेश्चन नंबर 18, हु स्क्रीम्ड श्रीली, कौन जोर से चिल्लाया। ए मैक्स, बी ऑजबल, सी हेनरी या डी फॉलर। आंसर ए मैक्स। जब मैक्स खिड़की से कूद जाता है तो सीधा जमीन पर गिरता है, तभी उसकी जोर की चीख निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डोर ओपेंड हु वाज देयर, जब खिड़की खुली वहां कौन था। ए फॉलर, बी मैक्स, सी हेनरी या डी ऑजबल। आंसर सी हेनरी। क्वेश्चन नंबर 20, हो सेड देयर वर नो पुलिस, किसने कहा वहां पुलिस वाले नहीं थे। ए मैक्स, बी ऑजबल, सी हेनरी या डी फॉलर। आंसर ए ऑजबल। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड देयर इज नो बालकनी, किसने कहा वहां बालकनी नहीं है। ए हेनरी, बी मैक्स, सी फॉलर या डी ऑजबल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताइए। आपके पास सिर्फ एक मिनट का समय है। अगर आप इन सवालों को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप द मेड नेट विजिटर की फुल डिस्क्रिप्शन वाले इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो से आपके क्वेश्चन के आंसर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपका समय समाप्त हुआ और क्वेश्चन 21 का सही ऑप्शन है डी ऑजबल। तो आपके एग्जाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब आपको बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं या टर्म टू वाले क्वेश्चन, आइए इन्हें भी देख लें। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है,
हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेकेट एजेंट? ऑजेबल दूसरे सेकेट एजेंट से अलग कैसे है? आंसर, ऑजेबल इज वेरी फैट इन अपियरेंस। ऑजेबल कद काठी में बहुत मोटा है। ही हैज टेकन अ स्मॉल रूम ऑन रेंट ऑन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। उसने एक उदास फ्रेंच होटल के घने गलियारे में किराए पर एक छोटा कमरा लिया है। देयर इज नो सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर देयर। वहां साहसिक रोमांचकारी घटना के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ही गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कैन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। उसे अपने रूम में अपॉइंटमेंट लेने के लिए केवल एक साधारण टेलीफोन कॉल मिलता है। ही लुक्स वेरी स्लोपी। वह बहुत लापरवाह दिखता है। लाइक दिस ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट। इस तरह वह दूसरे सेक्रेट एजेंट से अलग है। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज फॉलर? फॉलर कौन है? एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? और उसके लिए उस दिन का पहला रोमांचकारी घटना कौन सा है? आंसर, फॉलर इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। फॉलर एक युवा और अद्भुत कहानियां लिखने वाला राइटर है। देन ही लुक्स अ मैन विथ अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड इन ऑजेबल्स रूम। जब वह ऑजेबल के रूम में एक आदमी को उसके हाथ में एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ देखता है, दिस इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। यही उसके उस दिन का पहला रोमांचकारी घटना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स ऑजेबल के रूम में कैसे अंदर आया? आंसर, When Ozabal is out of his room, Max uses a pass key to get into his room. जब Ozabal अपने कमरे से बाहर होता है तो Max उसके कमरे में आने के लिए पास की यानी मास्टर की का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, How does Ozabal say he got in? Ozabal के हिसाब से Max कैसे अंदर आया? आंसर, Ozabal says that Max has got into his room through the nuisance of the balcony that belongs to the next apartment, which extends under his window now. Ozabal का कहना है कि Max बगल के अपार्टमेंट के उस तंग करने वाली यानी परेशान करने वाली बालकनी से उसके कमरे में आया है, जो बालकनी अब उसकी खिड़की के नीचे तक फैला हुआ है। इसके बाद ये है, थिंक अबाउट इट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी टर्म टू क्वेश्चंस में इनमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आइए इनका भी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट यानी जासूस के किसी भी विवरण में फिट नहीं लगता है, जैसा कि फॉलर ने कभी पढ़ा था। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन? आपकी राय में किताबों और फिल्मों में खुफिया जासूस किस तरह दिखाई देते हैं? क्लास में या अपने ग्रुप में जासूसों, सीक्रेट एजेंटों की कहानियों और फिल्मों के बारे में डिस्कस करो और ऑजेबल के साथ कंपेयर करो। आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस के उपन्यासों के कैरेक्टर्स का भी वर्णन कर सकते हो। इंग्लिश उपन्यास में आपने शर्लोक होम्स, हर्कुलर पायरोट या मिस मार्पल के बारे में पढ़ा होगा। क्या आपने जेम्स बॉन्ड की विशेषता वाली कोई फिल्म देखी है? तो अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। आंसर, I have read many detective books and watched many movies. मैंने जासूसों वाली बहुत सी किताबों को पढ़ा है और बहुत सारी फिल्में भी देखा हूँ। All spies
इन फिल्म्स आर शोन एज टॉल स्लिम एजाइल एंड अट्रैक्टिव। फिल्मों के सारे जासूसों को लंबा पतला फुर्तीला और आकर्षक दिखाया जाता है। दे ऑल्सो ड्राइव ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स, वे लोग सभी तरह की गाड़ियों को भी चलाते हैं। दे ऑल्सो यूज वेपन्स एंड मार्शल आर्ट्स वाइल अटैकिंग एनिमीज, वे लोग दुश्मनों पर आक्रमण करने के समय हथियार और मार्शल आर्ट का भी प्रयोग करते हैं। ऑजवल्स बॉडी इज नॉट एज फिट एज द सीक्रेट एजेंट्स ऑफ फिल्म्स, ऑजवल का शरीर फिल्मों के सीक्रेट एजेंट्स की तरह फिट नहीं है। He looks very fat and sloppy. वह बहुत मोटा और लापरवाह दिखता है। यहाँ पर मैंने जेम्स बॉन्ड की फिल्म का नाम नहीं दिया है, आप कोई फिल्म का नाम जिसमें उसने रोल किया है दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डज ऑजबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम, ऑजबल मैक्स को यह विश्वास दिलाने में कैसे कामयाब होता है कि उसके कमरे से एक बालकनी सटी हुई है। आंसर, व्हेन ऑजबल सीज मैक्स इन हिज रूम, जब ऑजबल अपने कमरे में मैक्स को देखता है, ही मेक्स अ फॉल्स स्टोरी दैट ही इज गोइंग टू कंप्लेन विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस होटल, तो वह एक झूठी कहानी बनाता है कि वह इस होटल के प्रबंधन से शिकायत करने जा रहा है। बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू हिज रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर हिज विंडो, क्योंकि एक महीने में यह दूसरी बार हुआ है जब कोई उस खिड़की के नीचे सटी हुई उस परेशान करने वाली बालकनी से उसके कमरे में घुस आया है। देन मैक्स इज कन्विंस्ड दैट अ बालकनी एडजेसेंट टू द विंडो इज आउटसाइड, तब मैक्स को यकीन हो जाता है कि खिड़की से सटी एक बालकनी बाहर में है। क्वेश्चन नंबर थ्री, लुकिंग बैक एट द स्टोरी व्हेन डू यू थिंक ऑजबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रीड ऑफ मैक्स, कहानी को देखते हुए आपके विचार से ऑजबल ने मैक्स से छुटकारा पाने के लिए अपनी योजना के बारे में कब सोचा। डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या आपके समझ से ऑजबल ने अपना प्लान पहले से ही बना लिया था, और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, या क्या उसने घटनाओं का लाभ उठाते हुए कोई प्लान बनाया था। आंसर, व्हेन ऑजबल सॉ मैक्स इन हिज रूम ही वॉज अ लिटिल शॉक्ड, जब ऑजबल ने अपने कमरे में मैक्स को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। टू गेट रीड ऑफ हिम ही मेड अप अ स्टोरी, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने एक कहानी बनाई। ही कन्विंसेस मैक्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी दैट देयर इज अ बालकनी ऑन द आउटसाइड एडजेसेंट टू द विंडो, उसने कहानी की मदद से मैक्स को विश्वास दिलाया कि खिड़की से सटा हुआ बाहर की तरफ एक बालकनी है। एंड व्हेन हेनरी नॉक्ड ऑन द डोर फ्रॉम आउटसाइड ऑजबल टोल्ड मैक्स दैट देयर वर पुलिस एट द डोर, और जब हेनरी बाहर से दरवाजा खटखटाया तो ऑजबल मैक्स को बोला कि दरवाजे पर पुलिस है। एंड व्हेन द डोर नॉब टर्न्ड, और जब दरवाजे की कुंडी घूमी, मैक्स जंप्ड ऑन द बालकनी, मैक्स बालकनी पर कूद गया, बट देयर वॉज नो बालकनी आउटसाइड, लेकिन बाहर की बालकनी नहीं थी, एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। सो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑजबल प्लान्स टू एस्केप हिमसेल्फ आफ्टर सीइंग मैक्स। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ऑजबल ने
मैक्स को अपने रूम में देखने के बाद ही अपने आप को बचाने का प्लान बनाता है। तो साथियों, इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको डंका बजा देना है 100% मार्क्स के साथ। दोस्तों, जिस तरह आग के अंगारों को कोई खा नहीं सकता, जिस तरह हिमालय पहाड़ को कोई उठा नहीं सकता, जिस तरह समंदर को कोई सुखा नहीं सकता, वैसे ही मेरे दोस्त आपको भी इस बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। आपके कमेंट और लाइक का इंतजार करते हुए आपसे विदा लेता हूं, इस वायदे के साथ कि बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बी हैप्पी।